रियली दोस्तों यार ये तो कमाल हो गया। मतलब एक बाहुबली मूवी के बाद अब मैं एक ऐसी मूवी के बारे में सुन रहा हूँ जिसके चर्चे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर तरफ हो रहे हैं, इवन सात समुद्र पार तक। हालांकि ट्रिपल आर ने ऐसा माहौल बनाया था और अभी भी है, मगर इस तरह की सिर्फ अपने कॉन्टेंट के बलबूते ऐसी मार्केटिंग कर देना जिससे बड़े बड़े सुपर स्टार हिंदी फिल्मों से लेकर के दक्षिण सिनेमा के सितारे तक जिसे देखने की अपील कर रहे हो, ऐसा सच में मैंने अभी तक नहीं देखा। जहाँ कंगना रनावत ने फिल्म को देखने की सभी को अपील की और ये तक कह दिया कि कांतारा के मैं उस ट्रांस में हूँ कि हफ्तों तक शायद निकल ना पाऊँ, और उसके बाद शिल्पा शेट्टी ने भी फिल्मों की खूब तारीफ की। फिर प्रभास का फिल्म को दो बार देखना और सोशल मीडिया पे फिल्म को देखने की अपील करना, फिर अनुष्का शेट्टी का ट्वीट, तब तक तो ठीक था, मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत सर, जिन्होंने इस फिल्म को हाल में ही देखा और स्पेशली ट्वीट करके इस फिल्म की खूब तारीफ की। मैंने रजनी सर को आज तक किसी फिल्म के लिए यूं स्पेशली ट्वीट करते हुए नहीं देखा, जबकि वो कभी भी किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे बोलते हुए या किसी सिनेमा का प्रमोशन करते हुए नहीं दिखते हैं। अब अगर थलाइवा सर ने भी इस फिल्म की तारीफ की है तो अब आप समझ जाओ कांतारा सिनेमा अपने आप में कैसा सिनेमा है। ये तो सिर्फ जिसने उस सिनेमा को देखा है उसी को पता है। और इस ट्वीट के रिप्लाई में ऋषभ शेट्टी ने भी रजनी सर को एक बेहतरीन फैन मूवमेंट वाला रिप्लाई दिया। और वहीं अल्लू अर्जुन सहित उनके पिता जो दक्षिण भारत के बड़े निर्माताओं में से एक है, अल्लू अरविंद जी को भी कांतारा फिल्म ने अपना दीवाना बना दिया है। वैसे राजनीतिक पार्टियों की तरह अपने सिनेमा जगत मतलब बॉलीवुड में भी लेफ्ट विंग और राइट विंग रहा है, और लेफ्ट विंग वालों को तो ये सब पचेगा ही नहीं, शायद उनकी तो दिवाली भी नहीं मनाई गई होगी कांतारा सिनेमा की वजह से, क्योंकि कुछ मेकर्स का तो ये कहना है कि लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है फिल्म देखने के, वो फिल्म कहां से देखेंगे। यही सोच के शायद फिल्म देखना तो छोड़ो, दिवाली भी नहीं मनाई गई होगी उन लेफ्ट विंग वालों की। इन सभी लेफ्ट विंग वालों ने एक टाइम पे अपने सिनेमा से पब्लिक के टाइम का खूब छीछा लेदर किया है। दक्षिण भारत सिनेमा ने जो अब आईना हिंदी फिल्म मेकर्स को दिखाया है या जो भी दिखाया जा रहा है उसे सोचना तो पड़ेगा ही नहीं। कांतारा से पहले कार्तिक के 2 जो कांतारा के आसपास के बजट में ही बनी थी, ना ही कोई बड़ा स्टार ना ही कोई बड़ा मार्केटिंग प्लान, और उसे भी पब्लिक डिमांड पे ही हिंदी डब वर्जन में रिलीज करना पड़ा, और 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 100 करोड़ी फिल्म क्लब में शामिल हुई। कार्तिक 2 अपने कंटेंट और अपने धर्मों की जड़ों को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम की सोच से बनाई गई एक बेहतरीन फिल्म थी, जबकि उसका ग्राफिक इतना स्ट्रांग भी नहीं था, मगर फिर भी लोगों ने उस सिनेमा को बहुत बहुत प्यार दिया। वैसे लोगों का अब ये मत ज्यादा हो रहा है कि कांतारा फिल्म को नेक्स्ट ईयर ऑस्कर के नॉमिनेशन में भेजना चाहिए और कांतारा को ऑस्कर मिलना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि कांतारा जैसे सिनेमा को ऑस्कर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो दैवी प्रतिष्ठान और हिंदू धर्म की दंत कथा पे कांतारा फिल्म का प्लॉट है, वो फिल्म का सम्मान उस अवार्ड और कई अवार्डों से कहीं ज्यादा ऊपर है। दोस्तों आपको इस विचार पे क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में द एके शो में। धन्यवाद।